మైనారిటీ శ్మశాన వాటికలో అంత్యక్రియల పేరుతో డబ్బులు తీసుకుంటే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. తెలంగాణ వక్ఫ్ బోర్డు చైర్మన్ సలీం వక్ఫ్ బోర్డుకు సంబంధించిన ఆస్తులను కబ్జా చేస్తే వారి పట్ల కఠినంగా వ్యవహరిస్తానన్నారు. పేదవారి అంత్యక్రియలకు 5000 సహాయంగా అందిస్తామని తెలిపారు. कब्रस्तानों में जो है जो प्रॉब्लम है जगह नहीं दे रहे कोविड के, तो उसके तो एरिया वाइज होना बोल के है, वैसा कुछ भी नहीं है. वो यार जनरल हम लोग डिस्कशन करें तो ये डिस्कशन ये था कि आज कब्रस्तानों में इससे पहले भी बार बार बोल रहे कि फ्री तदफीन होना बोल के, तो फ्री तदफीन बोलने के बावजूद भी जो है ना, तो इंशाल्लाह ताला जो भी कंप्लेंट आएगा उनको बिल्कुल सस्पेंड करने का काम बोर्ड में रख के बराबर करेंगे, क्योंकि ये मनापोली नहीं कर सकते कोई भी. ये वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है. हर एक का फर्ज है कि वहाँ पर किसका भी अगर एरिया में इंतकाल हुआ या बाहर वाले भी आके दफनाना चाह रहे तो बराबर दफना सकते, क्योंकि कब्रस्तान जो है ना कब्रस्तान ही से वो एरिया का आदमी नहीं आना, ये एरिया का आदमी नहीं आना, ऐसा दो इतने पैसे दो, ये सब गलत है. और मैं मुतवल्लियों से अपील कर रहा हूँ बार बार, फिर बाद में नहीं बोलना मेरे को, बार बार अपील कर रहा हूँ और या नहीं सुने तो. फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब 99 टीवी तेलुगु.